तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। इसके क्वार्टरली नतीजे आ चुके हैं और जो प्रॉफिट है 50% के हिसाब से बढ़ गया है टू ₹145 करोड़ एंड डिविडेंड हैज़ आल्सो बीन अनाउंस्ड। तो आइए इसके नंबर्स डिटेल में चेक कर लेते हैं और इस स्टॉक के टारगेट भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, नए आए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपोलो हॉस्पिटल्स के पहले नंबर्स डिटेल में चेक कर लेते हैं। पहले क्वार्टर फोर का डाटा देख लो। इसका क्वार्टर फोर में जो नेट प्रॉफिट आया है 145 करोड़ है। यहाँ पे 50% का जंप देखने को मिला है क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसकी जो नेट प्रॉफिट थी वो 97 करोड़ थी और यहाँ पे एस्टीमेट जरूर मिस हो गए हैं। टोटल पोस्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन वाज एट 4302 करोड़ एंड इट इज़ आल्सो इंक्रीज्ड बाय 21%। तो ओवरऑल रेवेन्यू भी जंप कर गया है, प्रॉफिट भी जंप कर गया है, लेकिन एस्टीमेट से थोड़ा मिस जरूर कर गया है। क्योंकि दोस्तों, जो अच्छी अच्छी कंपनीज है मार्केट उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठती है। अकॉर्डिंग टू CNBC TV18 पोल, द अपोलो हॉस्पिटल वॉज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट क्यू फोर प्रॉफिट एट 193 करोड़ एंड रेवेन्यू एट 4302 करोड़। तो रेवेन्यू जो है वो फिगर्स मैच कर रही हैं लेकिन प्रॉफिट के लेवल पे कंपनी थोड़ा मिस कर गई है। और अब इस कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड कर दिया है। द बोर्ड हैज़ आल्सो रिकमेंडेड ₹9 पर इक्विटी शेयर एज द फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड भी इन्होंने रिकमेंड किया है, ₹9 पर शेयर के हिसाब से जो है वो डिविडेंड रिकमेंड किया है। तो नंबर्स आने के बाद इस स्टॉक में अभी क्लोजिंग हो चुकी है। आज इस स्टॉक में 4600 के लेवल के राउंड क्लोजिंग हुई है और 5 डेज में भी 0.82% की रैली है, 1 मंथ में 2% की रैली है। जबकि 6 मंथ में देखो, बॉटम फॉर्मेशन के बाद इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लोअर सपोर्ट लेवल 4200 का है, तो इसी लेवल के राउंड इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक रिवर्सल जरूर शो कर दिया है। तो अब टेक्निकली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है क्योंकि अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट वो 4643 के राउंड है। यदि ये स्टॉक इस लेवल को पार कर लेता है तो फिर इस स्टॉक में फर्दर मोमेंटम बन सकता है और ये जो स्टॉक है फिर फर्दर जो है 4781 के लेवल की ओर जाता आपको दिखाई दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इस स्टॉक में आप बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप इन्वेस्टेड किए हो तो कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म वाले निवेशकों को कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी के ओवरऑल नतीजे बढ़िया हैं, पॉजिटिव हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा नंबर मिस रहने के कारण शॉर्ट टर्म में थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म में क्लियरली ये स्टॉक अगेन रिकवरी शो करता आपको दिखाई देगा। सो थैंक्स अगेन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो यदि इसका 1 साल का टारगेट लेके चलोगे तो ये स्टॉक ईजिली 5000 से लेके और 5500 तक के टारगेट तक भी इवन जाता दिखाई दे सकता है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न लेके इसमें पोजीशन बनाएं। थैंक्स अगेन।